नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अमिता किचन में। आज हम बनाने वाले हैं बिना चीनी के गाजर का हलवा। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और देखें किस तरीके से बनती है ये रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच देसी घी ले लिया है। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे 2 इलायची और मैंने यहाँ पर 1/2 किलो गाजर को अच्छी तरीके से धुल करके छील करके कद्दूकस कर लिया है और इसे मैं ऐड कर लूँगी कढ़ाई में। अच्छी तरीके से इसे चला लें और इसे थोड़ी देर के लिए भुनने दें स्लो फ्लेम पे। बीच बीच में आप चलाते रहें। फिर इसमें हम ऐड कर लेंगे 1 कटोरी और आधा दूध। मैंने यहाँ 1 कटोरी दूध ऐड कर लिया है। थोड़ा सा और दूध ऐड करूँगी इसमें। एंड अच्छी तरीके से इसे मिक्स कर दें और इसे ढक करके पकने दें। बीच बीच में चलाते रहें। अब आप देख सकते हैं दूध जो है वो गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है और जो गाजर है वो भी अच्छी तरीके से इसमें मैश हो गया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपनी मेन इंग्रेडिएंट जो कि है गुड़। गुड़ मैंने यहाँ 250 ग्राम गुड़ यूज़ किया है। और इसमें इलायची पाउडर यूज़ करेंगे। कम से कम मैंने 3 से 4 इलायची पाउडर, इलायची को पाउडर फॉर्म में कर लिया है, उसको ऐड कर लूँगी। ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से चला दें। गुड़ की वजह से इसका जो कलर है वो और अच्छा आएगा और टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है गाजर का हलवा बनाने का। ये बहुत टेस्टी भी बनता है। गुड़ को पिघलने दें और इसे चलाते रहें। इस स्टेज पे अगर आप इसे चलाओगे नहीं तो ये नीचे से लग जाता है। तो आप देख सकते हो दूध एकदम अच्छी तरीके से गाढ़ा हो चुका है। और गाजर का हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। बिना चीनी के गाजर का हलवा बहुत टेस्टी लगता है। अब गैस हम ऑफ कर देंगे एंड गाजर का हलवा हमारा रेडी है। इसको हम सर्व कर लेंगे। इसके अंदर कुछ काजू बादाम जो भी आप चाहते हो ड्राई फ्रूट्स वो ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर काजू ऐड कर लिया है। इसको अब हम सर्व कर लेंगे प्लेट में। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हो सकता है आपके हेल्पफुल भी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू।